और मैं समझता हूँ कि दिल्ली वालों के लिए ये इतना बड़ा गंभीर मसला है, ये न केवल भ्रष्टाचार इसके अंदर बड़े पैमाने पे हुआ है बल्कि दिल्ली के लोगों की सिक्योरिटी दांव पे लगा दी गई। अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे पत्रकार हमारे दोस्त बैठे हैं उनको भी मालूम है, शुरुआत में किस तरीके से हर एक के पास जाए कहते थे वो, भाई साहब मुझे कुछ सीखना है, भाई साहब मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूँ। आपको याद होगा निर्भया कांड जब हुआ, पूरी दिल्ली के अंदर मोमबत्तियां लेके घूम रहे थे और इन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके, महिलाओं की सुरक्षा हो सके। आज उस चीज को 2014 का चुनाव जीतने के बाद 2015 में प्रोसेस शुरू किया जाता है और 2018 में कंप्लीट किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, हमें काम नहीं करने देना चाहती। ये तमाम डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं कि किस तरीके से केवल और केवल पैसा लेने के चक्कर में इस पूरे प्रोजेक्ट को डिले किया गया, सारे कानून को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बालाय टाक रख के केवल और केवल रुपयों के लिए हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और जो जो लोग, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई अधिकारी हो, जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल आज शाम तक उनको इस्तीफा देना चाहिए।